थानू पता है मल्हार जी, मैं कदी कदी सोचती होनी हाँ जिवें मैं थानू इत्थे बैठी याद करती हाँ, तुसी भी उत्ते बैठे मैनू याद करते हो। की लिखा है? ये ता साढ़े ब्याह की तारीख है। इसका मतलब साढ़े ब्याह की सालगिरह आने वाली है, नेड़े ही है। की देख रहे हैं मल्हार? आधे सिमोन, आधे साढ़े ब्याह की तारीख। ऐसे हिसाब नाल साढ़े ब्याह की सालगिरह आने वाली है, नेड़े ही है। हाँ मल्हार, बस होर थोड़े दिन तक। हुण तैनू की पता मल्हार कि ये तेरे ते मेरे नहीं, सगों तेरे ते गीत ते ब्याह की सालगिरह की फोटो है। ये दिन तो मैनू उदां ही पसंद नहीं है, मैं तो तेरे नाल अपनी वक्री सालगिरह मनानी है। पर मल्हार तू छड़ना ना पुराने तरीकों, मेरा मतलब है कि जदों असीं दोबारा ब्याह करावांगे उदों उसे नवी तरीक ते हर साल सालगिरह मना लिया करांगे ना। सिमोन, सानू नवी तरीक दी की लोड़? लोड़ तो कोई नहीं है मल्हार, पर जदों दोबारा फेरे लवांगे तो नवी तरीक तो आपे बन जाएगी ना। पर सिमोन, जे पहली सालगिरह की तारीख ही नेड़े है फिर नवी तरीक की करनी है? असी उसे दिन करावांगे ना फिर। पर मल्हार। नहीं सिमोन, मैनू तो यही सही लगता, नाले उन दिन भी किन्ने बचने। सरा सोच के दे, पहली सालगिरह वाली तारीख उत्ते असी दोबारा फेरे लवांगे, मैनू तो सोच के बहुत चंगा लग रहा। क्या है सिमोन, कुछ गलत क्या ना? नहीं मल्हार, ऐदा दी तां कोई गल नहीं है। बस फिर हुण जिस दिन साडे ब्याह की सालगिरह होगी असी दोबारा अपने पहले ब्याह दियां सारियां यादां जीवांगे, दोबारा ब्याह करा के। पर मल्हार वो तारीख तो आने वाली है, तू इन्नी जल्दी ब्याह कराने लिए तैयार तो है ना? हुण ब्याह तो कराना ही है सिमोन, इहदे विच समस्या की? नहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना फिर, क्यों ना असी काम करिए सिमोन, असी उस पंडित नूं लभदे जिन्हें साडा पहला ब्याह कराया सी,
असि उहदे कोलों ही दुबारा विआह करवाउणे। रॉकी कोलों तलाक लई देणे मल्हार नाल विआह। गीत। हाँ जी पापा जी। अलाप किथे है? गिरनी नाल है पापा जी। अच्छा 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 अच्छा। खेड़दा पिया होना? नहीं पहले खेड़दा सी फिर पढ़न लग गया। गिन्नी पढ़ा रही है उन्हें स्कूल तक काम करा रही है। गीत मैं तेरे कुछ जरूरी गल करनी है। हाँ जी पापा जी। दरअसल कल मैं जो अलाप स्कूल लैन गया सी ना उदो मैनू इदा लग्या जिदा तू ही एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। तू ही सी ना उत्थे? जे उन्हें तू ये गल दसी तो उन्हें यह नहीं सोचना कि सम्राट तैनू कुदरती मिलिया सी। उन्हें यह सोचना है कि तू जान बुझ के उन्हें मिलन गई सी। की गल बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? नहीं पापा जी तुसी मैनू देखिया सी अलाप दे स्कूल दे नेड़े किसी रेस्टोरेंट दे बाहर। नहीं पापा जी तुहानू भुलेखा लग गया। मैं तो अकैडमी गई सी मिसिस चावला कोलो कमरे की गल करन वास्ते। ओके ओके। की है पापा जी कुछ होर भी पूछना तुसी? नहीं कुछ नहीं। ठीक है। ये गीत गीत तो कल मैं आप देखा से ते फिर यह झूठ क्यों बोलती पई है? जितों तक यह गीत आता ना वो इदा दी है जिड़ी बिना मतलब तो एवं झूठ बोले तो फिर यह झूठ क्यों बोल रही है? क्यों है बड़े भाई साहब इन्ने हैरान परेशान जी होके क्यों खड़े हो? नहीं नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हाँ। ठीक तो पक्का नहीं हो तुसी वड्डे भाई साहब? मैं कड़े नहीं देखिया गीत नू तुहानू एड्डा वड्डा झटका दिंदे आ। बस गीत दे एक झूठ नाल हौली हौली शक दे कीड़े दा पक्का अड्डा बन जाणा तुहाडे दिमाग च पक्का। हां जी मॉम बुड्ढी दादी तां मण गई है ते हुण हुण ओह गीत नूं अपने आप बना लेगी मेरे नाल एनिवर्सरी दी पार्टी करन वास्ते। शाबाश जे ओह शकुंतला मेरा मन गई है ना तो फिर ओह गीत नूं तां आप ही मना लेगी ते फिर मैं गीत ते अपने नेड़ता दे कुछ पल दिखा के ओह मेरा परिवार वालां दे दिमाग विच शक दा कीड़ा पा दांगा। एनी गल ते मैनूं तेरी समझ लगदी है स्कीम ते तेरी चंगी है पर व्याह तेरे नाल व्याह करान लई गीत क्यों हाँ करेगी? क्योंकि ओदे दिल दिमाग विच हाले तक भी ना ओ मल्हार बैठा। ए नहीं हो सकता मॉम गीत दे दिल और दिमाग उत्ते किसी होर दी जगह नहीं हो सकदी। थानू की पता जो ने कॉफी हाउस विच किन्ने चिर बाद मैं ना हस हस के गल्ला कीतियां पता क्यों? क्योंकि उत्ते सिर्फ मैं सी कोई होर नहीं। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ दूर होके मैनू खुल के प्यार कर सकेगी। प्यार तो मैनू पक्का कर दी है ताही ता उन्हें अपने पुत्र राब दी राखी वास्ते मेरे उत्ते भरोसा किता है। हाय रब करे ऐदा ही होवे ते जे उहदे दिल विच तेरे लिए जरा जिहा भी प्यार है ना तां बस फिर तेरा काम बन गया समझ। हाँ जी पंडित जी इसे करके तां मैनू तुहाडी हैल्प चाहीदी है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ
कि मेरे घर वाले की आदत चली गई है ते ओ तुहाडे व्याह कराई दा भी चेता नहीं है ते हुण ओ तुहाडे नाल दोबारा फिर लेना चाहुंदा है। हाँ जी बिल्कुल पंडित जी। हाँ हाँ इहदे विच कोई गलत गल थोड़ी है, तुसी दोबारा फिर लेना चाहुंदे हो? नहीं पंडित जी, एक्चुअली उन्हां दी सेहत इस गल दी इजाजत नहीं दिंदी। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हां दी सेहत अजे पूरी तरह ठीक नहीं हुई, अग अगे जाण नाल उन्हां दी हालत बिगड़ भी सकती है। इत्थों तक कि अग अगे जाण करके उन्हां दी जान नूं खतरा भी हो सकता है। शिव 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 शिव, फिर तो मसला वाकई गंभीर है। हाँ जी पंडित जी, हुण तां तुसी मैनूं बचा सकते हो। पर मैं इहदे विच की कर सकदा, तुसी उन्हां नूं समझाओ ना। मैं कोशिश कीती सी पंडित जी, पर वो समझण नूं तैयार ही नहीं। की पता तुहाडे समझाया उन्हां दी गल पल्ले पै जावे। पर फिर मैं इहदे विच की कर सकदा? तुसी तां सब कुछ कर सकते हो पंडित जी। मेरा मतलब है कि तुसी उन्हां नूं इह गल कह सकदे हो ना कि अजे शुभ मुहूर्त नहीं है, इन्ना तां काम कर ही सकदे हो ना तुसी। हाँ जी वो तो हो सकता है। थैंक यू सो मच पंडित जी, थैंक यू सो मच। अच्छा फिर मैं कल 10 बजे उन्होंने तुहाडे को लेके आ जावा। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी पंडित जी। शुक्र है इस पंडित ने मेरे झूठ नो सच मान ही लिया। हुण इहदी हैल्प दे नाल मल्हार नूं फेरे लैण लई घट्टो घट्ट टाल तां सकदी हाँ मैं, क्योंकि अजे तक फेरे लै भी तां नहीं सकती मैं, खास करके उदों तक जदों तक मेरा ते रॉकी दा पक्के तौर ते तलाक नहीं हो जांदा। जे फेरे लै भी लए तां फिर भी रॉकी दी कानूनी वाइफ होण करके इस विआह नूं कोई विआह मन्नेगा ही नहीं। हैलो पंडित जी। जी उन्हां दी आत्मा दी शांति लई पूजा रखनी है घर च। घर च ही रखांगे पूजा, पहला पूजा होएगी तो फिर पार्टी, साढ़े विआह दी सालगिरह भी है ना। तुसी आओगे पंडित जी पूजा करन वास्ते? हाँ जी गीत जरूर आवांगे। मेरा परिवार विचों फोन आवे तो कौन नहीं आना जाऊगा? तुहाडे मेरा परिवार नूं कौन नहीं जानदा? उत्तों तुसी, तुहानूं तां सारे जानदे ने। गीत ढोली दे नां तों तां बच्चा बच्चा बाकी दे। मेरा परिवार विच पूजा करना तां मेरे लई माण वाली गल होएगी। इह तां बहुत चंगी गल है पंडित जी। चलो ठीक है फिर सवेरे 10 बजे मिलदे हां, मैं आप ही आ जावांगी मंदिर, नाले तां आपां पूजा दी गल कर लवांगी ते नाले तुसीं पूजा दी समग्री मैनूं लिखवा दिओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ तुसीं 10 बजे आ जाओ जी। चल मल्हार असीं ओह पंडित जी कोलों भी जाना है ना व्याह दी तारीख पक्की करन वास्ते। ये था मतलब तैनूं ओह पंडित जी मिल गए जिन्हां ने साडा पहला व्याह कराया सी? मल्हार उन्हां दा फोन नंबर ते एड्रेस तां मैनूं मिल गया सी। फिर तूं कीता उन्हां नूं फोन? फोन भी कीता सी, उन्हां दे घरदिआं ने चुक्किआ सी अगों, उन्हां ने दस्सिआ कि ओह हुण इस दुनिया विच नहीं रहे। मेरा मतलब है किद्दां सब कुछ कदों होया, कुछ पता? ये तो मैनू भी नहीं पता, मैं पूछा ही नहीं। पर मल्हार मैं एक होर पंडित का पता किया है, असी उन्हें मिल लें ना। ये गल भी सही है, सानू तो व्याह नाल मतलब, पंडित केड़ा की फर्क पैंदा। चल फिर जल्दी कर, जाना भी है। बस 5 मिनट दे विच आ। ठीक है। शुक्र है कि ये मूहे झूठ बोल के सर गया कि वह पंडित मर गया है। हुण मैं मल्हार दे नाल जावांगी उस नवें पंडित कोल ते ओह मल्हार नूं ओही दसेगा जो मैं उन्हूं दस्या है। तुसी तां सब जाणी जाणो माता रानी, थोनूं तां सब पता है कि मल्हार जी दी आत्मा दी शांति वास्ते मैं एक पूजा रखी है ते वो पूजा साढ़े व्याह दी सालगिरह वाले दिन ही होएगी। पूजा दी गल करन वास्ते पंडित जी कोल जाना, वो भी सम्राट दे नाल। मैनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा माता रानी, मल्हार जी तो बिना
अपने ब्याह की सालगिरह मनाना कुछ अजीब लग रहा है। माता रानी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं तो बस इसे आस से कर रही है सब कुछ के मल्हार जी जिथे किते भी ने उन्हां तक मेरे दिल की गल पहुंच जाए। तुसी अपना मेहर भरे हाथ मेरे सिर ते रखियो माता रानी, तुसी चाहो तो की नहीं हो सकता। एक काम तो तुहानू करना ही पैना, तुसी ऐदा करो एक नू मैं मिल लैना, दूजे तुसी मिल लो। एक मेरा हाउस तो गीत मेहरा आ रही है उन्हें मैं मिलना, दूजी वो मैडम सिमोन उन्होंने तुम मिल लो। गीत मेहरा मेहरा परिवार दी नू जो ढोल बजाती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही गीत ढोली। पंडित जी शायद तुहानू पता नहीं होना उदे फेरे भी मैं ही कराए सीगे। कोई गल नहीं पंडित जी, तुसी मिलो गीत मेहरा नाल, मैं तुहाडा दूजा काम करवा देंगा। हैलो सम्राट जी। हाँ जी मैं तैयार हाँ। हाँ जी हाँ जी गीत, मैं भी बस तैयार है। एक काम करो तुसी बाहर आ जाओ, फिर मैं थोनू बाहर मिलना गड्डी विच। हाँ जी मैं आ गई। आ जाओ मैं थोड़ी उड़ीक करांगा। हाँ जी गीत, तू सवेरे सवेरे तैयार होगी कितने चली है? ओ मैं मम्मी जी टाइम तो हो गया है गीत। टाइम हो गया पर कदा टाइम मम्मी जी? ओ गीत दे जान दा टाइम हो गया, अकेडमी जाना है ने। गीत चल तू एवे कि देर ना हो जाए, चल आ जा चल तू। मम्मी जी विच अचानक इदा आ गए, मैनू गीत नाल गल भी नहीं करन दित्ती चंगी तरह। गीत ने टाइम दी गल करनी सी कि जां कोई होर? की करन लगी सी तू उत्थे? मैं तेनू कहा सी ना कि किसी नू पता नहीं लगना चाहीदा कि तू मल्हार दी याद विच उस प्रोग्राम दी तैयारी सम्राट नाल मिलके करदी पई है। जे पता लग भी गया ते की हो जाएगा? तू इन्ना ना सोच, तू बस प्रोग्राम की तैयारी कर, जो तो सब कुछ सही हो जाएगा ना तो फिर सारे बहुत खुश हो जाएंगे, तो फिर मैं उन्होंने दसांगी कि ये सारा कुछ सम्राट ने किया है, तो फिर वो भी सोचने लिए मजबूर हो जाएंगे कि सम्राट भी उन्होंने अपना है। तो समझ गई ना मैं की सोच रही हूँ? हाँ जी दादी हाँ समझ गई। बस फिर किसी नूं दसण दी कोई लोड़ नहीं, तू हुण जा सम्राट तैनूं उड़ीकदा होएगा। ठीक है दादी। सिमोन जिहड़े पंडित जी नूं असीं मिलना सी कित्थे ने ओ? पता नहीं मल्हार इत्थे कित्थे होणगे, मैं एक मिनट देख के आउंदी हां।
रुकना से मोहन कितने लेके जा रही है? मल्हार पंडित जी दे नाल गल हो गई है मेरी। अच्छा आप कितने ने हो? बस इत्थे किते ने, एक्चुअली वो आप तो आ नहीं सके, उन्होंने अपनी जगह किसी होर नूं भेजिया। चला जा। मैं भी कहां कि पता नहीं कितने खिंच के लेके जा रही है मैनू। सॉरी मल्हार, मैं अचानक तेनू खिंच के ले आई, तू ठीक है ना? हाँ सिमोन मैं बिल्कुल ठीक हाँ, असि लभ देना पंडित जी। जेड़े पंडित जी नाल गल हुई सी ओ कित्थे ने?